हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी बैच 2022 एंड 2023 का। सीबीएसई बोर्ड का जो कल ही सिलेबस आपका डिक्लेयर किया है सीबीएसई बोर्ड ने, आज हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम अकाउंटेंसी चैप्टर का सिलेबस समझेंगे। तो अकाउंटेंसी चैप्टर के सिलेबस को टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कहा गया है पार्ट ए, जिसको नाम दिया गया अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, और दूसरा है पार्ट बी, जिसको नाम दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट ए को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। यूनिट वन, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यूनिट टू, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 30 मार्क्स का कैरी करेगा, अकाउंटिंग फॉर कंपनी आपका 24 मार्क्स का कैरी करेगा। सेम इसी तरीके से यूनिट थ्री नाम दिया गया है पार्ट बी में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका कैरी करेगा 12 मार्क्स का। और यूनिट फोर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका कैरी करेगा 8 मार्क्स का। कहने का मतलब ये कि पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का कैरी करेगा, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का कैरी करेगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको आपका पेपर कम्प्लीट करना होगा। आइए आप समझ लेते हैं कि इन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं यूनिट वन में। तो यूनिट वन में जो आपकी 36 मार्क्स की कैरी होगी, इसमें आपको समझना है चैप्टर नंबर टू। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन आपका एनपी हो है, आपको वो नहीं करना है, वो आप पिछले प्रीवियस बैच के लिए था। आपको जो चैप्टर की शुरुआत करनी है वो चैप्टर नंबर टू से करनी है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल, ये आपका चैप्टर नंबर टू है। चैप्टर नंबर थ्री है आपका चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका चैप्टर नंबर थ्री होगा। चैप्टर नंबर फोर है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। चैप्टर फाइव है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। चैप्टर नंबर सिक्स है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहने का मतलब है कि यूनिट वन में जो भी आप अकाउंटिंग समझेंगे वो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग समझेंगे, कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। क्लास 11th में जो मैंने आपको अकाउंटेंसी समझाई वो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटेंसी थी, कि बिजनेसमैन किस तरीके से अकाउंटेंसी करता है। अब आप उसके आगे के अकाउंटिंग को समझेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। तो ये 5 चैप्टर आपके 36 मार्क्स से कैरी करेंगे। अब हम समझेंगे यूनिट टू के बारे में, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 24 मार्क्स का कैरी होगा आपके एग्जाम में। इसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूड है। एक है चैप्टर नंबर 7, अकाउंट कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर, की कंपनी किस तरीके से इश्यू ऑफ शेयर इशू करती है पब्लिक में। तो इसकी कुछ जनरल एंट्रीज होती है, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इस चैप्टर बहुत ध्यान से समझेगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये 2 चैप्टर आपके अकाउंटिंग फॉर कंपनीज अकाउंट में लिए गए हैं, जो कि 24 मार्क्स से कैरी करेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर भी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि आपका एक्सक्लूडेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 टोटल आपकी 60 मार्क्स की कैरी करेगी। आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि यूनिट 2 में हम समझेंगे कि कंपनी किस तरीके से शेयर इशू करती है शेयर या डिवेंचर को। चलिए अब इसके आगे के यूनिट 3 और यूनिट 4 को समझ लेते हैं। तो यूनिट 3 जो है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है आपको अकाउंटिंग रेशियो, और चैप्टर नंबर और यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो कि आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन सेंस स्टेटमेंट के चैप्टर हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये यूनिट 3 और 4 में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इन चैप्टर में, इस यूनिट में बेसिकली हम जानेंगे कि कंपनी अपनी अकाउंटिंग, अपनी बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है। जैसे कि हमने अपने क्लास 11th में समझा था कि एक बिजनेस अपने अकाउंटिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। तो इस तरीके से कंपनी किस तरीके के अकाउंट बनाती है वो आप यूनिट 3 और यूनिट 4 जो आपकी सेकंड पार्ट की बुक है उसमें समझेंगे। ये टोटल दो यूनिट है, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये आपकी 20 मार्क्स की कैरी करेगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। आइए अब अगले इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आप अकाउंटेंसी में अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा, आपको कभी भी अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे, आप एंड जनरल एंट्री को याद करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट एक्चुअल है क्या। कंसेप्ट समझ के आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप जनरल एंट्री भी कर देंगे, आप उसका अकाउंट बना देंगे जो बनाने के लिए कह रखा होगा, बट कंसेप्ट जो है वो बेस है। कंसेप्ट को कभी भी मिस मत कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ना अकाउंटेंसी को लास्ट मोमेंट में मत ले जाइए। मैं ये देखता हूँ अक्सर कि बच्चे जनवरी फरवरी पेपर पास होते हैं तभी बच्चे सीरियस होते हैं, तभी बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। साथ के साथ एक ही टॉपिक लेते जाइए, उसमें अपने डाउट क्लियर करते जाइए, ताकि आपको पेपर के टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आपको पेपर के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है और बहुत
कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके कुछ टफ भी है, जिसको आपको पहले से लेके चलना होगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएं। आप समझिए सीबीएसई बोर्ड ने क्या कहा है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे ना 44 मार्क्स के होंगे, जो कि आपका पेपर का 55% कैरी करेंगे। तो 44 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आएंगे, मतलब कि उनका कंसेप्ट बहुत सिंपल होगा, जो कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर की तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेकंड सीबीएसई बोर्ड ने कहा है अप्लाइंग 19 मार्क्स का, इस टॉपिक का मतलब है, सेकंड पॉइंट का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़े हार्ड होंगे, जिसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी कर रखी होगी तभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये 19 मार्क्स का कैरी करेगा ये पेपर आपका, 23.75 इसकी परसेंटेज आपके पेपर के अकॉर्डिंग। और थर्ड जो पार्ट है ना, ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, यहाँ पे क्या कह रखा है कि यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ आ सकता है जिसके को समझ के आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये आपका 17 मार्क्स का कैरी करेगा, ये 21.25% होगा आपके पेपर का। तो जो थर्ड पार्ट है ये टिपिकल हो सकता है, पर टिपिकल तभी होगा या आपके लिए मुश्किल तभी होगा जब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको थर्ड पार्ट के लिए कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कैसा भी पैराग्राफ आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर ही लेंगे, और आपके आपको समझ के उसके जनरल एंट्री प्रॉपर जो भी उसमें अकाउंट बनाने के लिए कह रखा होगा वो इजिली बना देंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आप लास्ट मोमेंट पे मत डालिएगा, अपने डाउट्स को साथ के साथ क्लियर करते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।